नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम 1000 लीटर वाटर टैंक की सफाई करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक साल बाद ये जो है वाटर टैंक क्लीन हो रहा है हमारा। ये हमारे ही यहाँ के कस्टमर हैं जो कि मुझसे ही वाटर टैंक क्लीन कराते हैं। आज देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके ढक्कन को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपका अंदर व्यू दिखाता हूँ, इसमें कितना कचरा है। दोस्तों, ढक्कन ओपन हो चुका है और मैं अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, केवल मिट्टी जमी है इस पर और हल्की सी ये जो है वाइट वाइट इसमें पूरा ये आया हुआ है। इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगा। इसका ढक्कन बंद था इसीलिए बहुत ज़्यादा ये जो है गंदा नहीं है। इसको मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ करूँगा। सबसे पहले मैं एक पानी इसमें से साफ पानी ऊपर से निकाल के एक बकेट भर लेता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक बकेट पानी भर लिया है 12 लीटर, और साथ में मुझे एक ये प्लेन वाला खाली डब्बा और चाहिए, और साथ ही मुझे एक मग्गे की आवश्यकता है, ये डिटर्जेंट पाउडर की भी मुझे आवश्यकता है, और ये दो सूखे कपड़े सूती का मैंने मंगवा लिया है, जिसकी मदद से टैंक को मैं क्लीन करूँगा। फ्रेंड्स, पानी खाली हो रहा है धीरे धीरे, और नीचे जो खाली ड्रम है उसमें हम पानी को स्टोरेज करेंगे, वह बाद में घरेलू अपना कपड़ा धोने का यूज़ में आएगा। दोस्तों, इस तरह से पानी को खाली करेंगे, उसके बाद मैं इसको अच्छे से रगड़ के पूरे अच्छे से क्लीन कर दूंगा। बहुत ही बढ़िया से क्लीन हो जाएगा। दोस्तों, ये देखिए नमक आया हुआ है, पानी का जो नमक आता है उसमें धीरे धीरे से जम गया है बोर के पानी का। फ्रेंड्स, ये 1000 लीटर का टंकी है और ये 4 लेयर है। बाहर वाइट है, उसके बाद ब्लैक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे येलो है, उसके बाद फिर वाइट है। बाहर वाइट, अंदर वाइट, और बीच में जो एक लेयर है येलो है और एक लेयर ब्लैक का है। इसमें 4 लेयर का है दोस्तों। ये ब्लैक लेयर इसीलिए लगाते हैं जिससे कि हमारी टंकी में किसी भी प्रकार का काई वगैरह मत आए, और येलो इसलिए होता है जिससे अल्ट्रा वायलेट जो किरण होती है सूर्य की इस पर ना पड़े और पानी इसका साफ रहे। फ्रेंड्स, ये कपड़े धोने का ब्रश भी मुझे चाहिए। इस ब्रश से पहले मैं रगड़ लूँगा चारों तरफ को अच्छे से, और उसके बाद पूरे टैंक को क्लीन करके उसके बाद उस पानी को फेंक दूँगा। उसके बाद ये फ्रेश पानी में सर्फ़ डाल के इसको पूरे को अच्छे से क्लीन करूँगा। सर्फ से क्लीन करने के बाद दोस्तों, फिर फ्रेश वाटर लेके उसको फिर से धोऊंगा। इस तरह से टंकी हमारा क्लीन हो जाएगा।